सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पर विजिट कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं नवीन मिश्रा हमारे AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए आईफोन का एक बहुत ही पॉपुलर जो प्रॉब्लम है और कॉमन प्रॉब्लम है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि EMMC का प्रॉब्लम होता है, जिसको हम 4013 एरर के नाम से जानते हैं। iTunes पे 4013 4014 ये आता है, और इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे इसको हम ठीक करेंगे और इसमें क्या क्या प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट आपको आज बताऊंगा। मेरे हाथ में ये आज मेरे पास एक iPhone 6 है, जिस जो कि अभी है तो iTunes मोड में ये, लेकिन इसमें वही एरर है और ये आपको मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। जब इसको मैं iTunes पे कनेक्ट करूंगा तो वो एरर आपको दिखाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारे सामने क्या एरर शो करता है। अभी ये फ़ोन जो है हमारे हाथ में है वो iTunes स्टेट में है। इसको अब हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे iTunes ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। अब हम इसको फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से ही iTunes मोड में है, तो हमको iTunes मोड में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे फ़ोन को और फिर हम यहाँ पे प्रोसेस अपना देखेंगे कि क्या हमारा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों देखिए, जब हम फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ऑलरेडी iTunes मोड में है, तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे iTunes मोड का, जो कि जब iTunes मोड में रहेगा हमारा मोबाइल फ्लैशिंग मोड में, तो हम इसको पहले रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है रीस्टोर एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर का फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो है वो एरर शो करता है कि नहीं। तो दोस्तों प्रोसेसिंग देखिए, यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद आपका एरर शो करेगा कोड। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग iTunes का चल रहा है आपका स्टेप वाइज स्टेप। अभी ये प्रोसेस में आ गया मोबाइल। अब देखते हैं कि इसमें आगे प्रोसेस में जाने के बाद ये एरर कोड जो है वो शो करता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने एक एरर कोड शो हुआ iTunes में। आप देख सकते हैं कि वो एरर कोड जो है, द आईफोन कुड नॉट बी रिस्टोर्ड एंड अनन एरर अकर्ड 4013। तो ये जो एरर कोड है वो फ्लैश IC का होता है। जब हमारा फ्लैश IC करप्ट हो चुका रहता है या उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका रहता है, तब iTunes पे हमारे सामने ये एरर शो करता है और हमारी पूरी फ्लैशिंग नहीं होती है। तो इस एरर का सॉल्यूशन ये है कि हम अपने फ्लैश IC को मदरबोर्ड से निकाल के उसको वापस से प्रोग्रामिंग करके रिवॉल्व करके फिर हम उसको अपने बोर्ड में इंस्टॉल करके और फिर जब फ्लैश करेंगे तब हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपना इस प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन जो अपना हार्डवेयर का है उस प्रोसेस में हम आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मोबाइल को अपना हम डिसकनेक्ट करके और इसके मदरबोर्ड को हम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके जो वायर्स होते हैं उसको हम निकाल लेंगे कि हमारा ख़राब नहीं हो। उसके बाद हम इसको PCB स्टैंड पे लगा लेंगे, जिससे कि हम आसानी से अपने फ्लैश IC को इसको, दोस्तों ये हमारे iPhone 6 जो मॉडल है 6G, उसका हमने बोर्ड बॉडी से निकाल लिया है और ये हमारा जो मदरबोर्ड है इसमें ये फ्लैश IC या EMMC है, तो इसी को हमको इससे रिमूव करके प्रोग्रामिंग करके वापस से इसमें डालना है। तो दोस्तों हमने PCB स्टैंड पर बोर्ड को अपने लगा लिया है। अब हम इसको इस पर हमारा हम इसको अब IC को निकालेंगे।
हीट को हम दोस्तों 320 पे पहले सेट कर लेंगे, एयर 3 पे ही रहेगा। थोड़ा सा हम फ्लक्स पेस्ट जो है इस पे अप्लाई करेंगे। ऐसे भी प्रॉपर हीट देंगे। ये जो ऐसे होता है दोस्तों, ये ग्लू पेस्टेड होता है, इसमें ग्लू अंदर से लगा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सावधानी और थोड़ा हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम नॉर्मल थोड़ा सा हीट ज़्यादा देंगे, उसके बाद हम इसको उसको आराम से धीरे धीरे उठा के इसको निकाल लेंगे। ये हमारा दोस्तों आईसी निकल गया है। अब हम इसको पहले प्रोग्राम करेंगे। ये फ्लैश आई सी MMC ने निकाल दिया है, इसको हम प्रोग्राम करेंगे, फिर इसको रिबॉल्व करके और फिर हम बोर्ड में वापस इसको हम डाल के असेंबल करके फिर से इसको हम आईट्यून पे डाल के इसको फ्लैश करेंगे और तब हमारा सेट जो है वो ओके हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए हमको आईपी बॉक्स पे इसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे फिर इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। दोस्तों ये हमारा आईपी बॉक्स है, ये इसी पे हम अपने EMC की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग के लिए हम आईपी के सेटअप को खोलेंगे, आईपी बॉक्स के सेटअप को। ये देखिए मैंने आईपी बॉक्स अपना सिस्टम से कनेक्ट कर रखा है, इसको आईफोन के ही डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे। सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे लाइट जलेगी, वो जब लाइट स्टेबल हो जाएगी उसके बाद हम इसके सेटअप को आईपी बॉक्स के सेटअप को खोलेंगे। उसके बाद हम अपना जो आईसी है उसको हम इसको आईसी को इसके आईसी पैड पे रख के और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद सेटअप में हम सबसे पहले डिस्क टेस्ट पर क्लिक करेंगे कि हमारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं। अगर इन्फो सही दिखा रहा है तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन डिस्क डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम इरेज श्योर ऑल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इरेजिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जो करप्ट एरिया होता है वो इरेज हो जाता है, जो करप्ट सॉफ्टवेयर होते हैं वो पूरी तरह से इरेज हो जाते हैं। इरेज होने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो इरेजिंग का इसमें प्रोसेस है, अब देख रहे हैं कि नीचे इरेजिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है। ये इसका जो बैड ब्लॉक एरिया होता है, बूट एरिया होता है, जो करप्ट हो चुका रहता है या सॉफ्टवेयर जो होते हैं करप्ट हो चुके रहते हैं, उसको पूरी तरह से इरेज कर देता है। इरेजिंग होने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में आगे उसके बढ़ेंगे। और दोस्तों आईपी बॉक्स में प्रोग्रामिंग के लिए इसमें इतना ही प्रोसेस है कि डिस्क को चेक करना है, उसका डाटा जो है उसमें कॉपी करना है सेटअप में, उसके बाद इरेज करके और फिर वापस उसको राइट कर देना है। और अगर वो आपकी MMC ख़राब होगी तो फिर डाटा कॉपी करके और दूसरा EMMC लेके उसको प्रोग्रामिंग करके फिर उसमें हम वापस डालते हैं। तो देखिए कि रेजिंग प्रोसेस हो रहा है। रेजिंग प्रोसेस होने के बाद फिर हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे। दोस्तों रेजिंग प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है और रेज होने के बाद, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तभी हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। जो भी बैड एरिया है, जो बैड ब्लॉक सेक्टर हैं, उनको पूरी तरह से कम्प्लीटली जो है ये सेटअप इरेज करता है। और यहाँ पे लास्ट में आपको ऑपरेशन आर डन का जो मैसेज आ जाएगा, इरेजिंग कम्प्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ेंगे, राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डिस्क का डेटा है वापस इसमें से राइट हो जाएगा। और बस इतना ही प्रोसेस है, इसके बाद हम सेटअप को क्लोज कर देंगे और अपने आईसी को आईपी बॉक्स से निकाल लेंगे। अब इसको हम रिबॉलिंग करके वापस से बोर्ड में लगाएंगे। तो दोस्तों हमने इस आईसी को प्रोग्राम कर लिया है, अब इसको हम रिबॉलिंग करेंगे। इसके बॉल्स थोड़े बड़े होते हैं तो रिबॉलिंग में खास ख्याल रखना पड़ता है कि सारे बॉल्स जो हैं वो अच्छे से रिबॉल हो जाएं।
रिबॉलिंग के बाद दोस्तों बॉल को अच्छे से मतलब अच्छे से गोल हो जाए, इसके लिए सारा बॉल प्रॉपर तरीके से बन जाए तो थोड़ा सा हम लोग फ्लक्स पेस्ट डाल के और इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं, जिससे बॉल जो है वो प्रॉपर तरीके से बराबर हो जाता है। अब ऐसे हमारा जो है ये रिबॉल हो चुका है, इसको वापस से हम बोर्ड में लगाएंगे। ये हमारा बोर्ड है, इसको इसमें हम ऐसी को लगाने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम ऐसी को इस पर फिक्स करते हैं। हीट को 320 पे रखेंगे, एयर को थोड़ा सा खोलेंगे और आईसी को प्रॉपर तरीके से हम इसमें जैसे लगा हुआ था आईसी वैसे वापस से लगा देंगे। आईसी जब चारों साइड से बैठ जाए, बराबर से इसमें फिट हो जाए, उसको हम छोड़ देते हैं। फिर आईसी जो हमारा प्रॉपर तरीके से लग चुका है, अब बोर्ड को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं और वापस से हम बोर्ड को बॉडी में डाल के फिट करके और फिर आईट्यून पर इसको फ्लैश करेंगे। तो दोस्तों हमारा बोर्ड अब ठंडा हो चुका है, इसको हम पीसीबी स्टैंड से निकाल लेंगे और इसको हम बॉडी में डाल के फिर आईट्यून पर फ्लैश करेंगे। दोस्तों हमने बोर्ड को प्रॉपर तरीके से फिट कर लिया है और फिर हम वापस आईट्यून पे आएंगे। फिर मोबाइल को अपने हम दोस्तों फ्लैश ऐसी लगाने के बाद कभी कभी मोबाइल जो है वो डीएफयू मोड में चला जाता है, आईफोन आपका। और डीएफयू मोड क्या है आगे हम आपको फिर बताएंगे किसी वीडियो में। तो इसको कनेक्ट करने के लिए फिर हमको होम बटन डाल प्रेस करके और डाटा केबल अपना हम इंसर्ट करेंगे इसमें। फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, रिस्टोर रिस्टोर एंड अपडेट। और देखिए दोस्तों ये हमारा फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। अब कंप्लीट फ्लैशिंग होने देते हैं, कंप्लीट आईट्यून सॉफ्टवेयर जब इसमें इंस्टॉल हो जाएगा तब हमारा फ़ोन जो है वो पूरी तरह से ओके होके ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों फ्लैशिंग की प्रोसेस हो रही है, अब देखिए कंप्लीट ये सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको मोबाइल में भी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, आईफोन में प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की चलनी शुरू हो गई है। और एक एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पूरी तरह से फ्लैशिंग हो जाने के बाद जो है ये आईफोन ऑन होगा। दोस्तों सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस होता है उसको पूरा होने में आईट्यून का जो प्रोसेस है कुछ टाइम लगता है, स्टेप वाइज स्टेप। तो आप देख रहे हैं कि एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा है, फ़ोन में भी है। जब ये लाइनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में फ़ोन आएगा। तो दोस्तों हमारा प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है, अब देखिए मोबाइल जो हमारा ऑन होने के स्टेट में आ चुका है। फ्लैशिंग की जो आईट्यून पे फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और मोबाइल जो है हमारा नॉर्मल कंडीशन में आके ऑन होगा। और दोस्तों आप भी इस तरह की रिपेयरिंग चाहते हैं तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है, और भी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और इस तरह के रिपेयरिंग के लिए हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें। और आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ ए टू जेड प्रोसेस जीरो लेवल से शुरू करके आईफोन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ बताया जाता है जीरो लेवल से स्टार्ट करके। तो आपको अगर आईफोन रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से सीखनी है करनी है तो हमारे क्लासेस को ज्वाइन करिए, हमसे संपर्क कीजिए। तो दोस्तों देखिए फ़ोन जो है हमारा कंप्लीट होके ओके होके ऑन हो चुका है। अब इसमें हम आगे अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसको एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग आईफोन का सीखना चाहते हैं करना चाहते हैं
तो वीडियो में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क करें और यहाँ पे आके क्लासेस ज्वाइन करें और प्रॉपर तरीके से आईट्यून का फुल्ली जो है वो ट्रेनिंग लें और आईट्यून में अपना कैरियर बनाएं। और फिर मैं आपके सामने न्यू वीडियो फिर से लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।